अंबाला में लगातार अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं और उनसे हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं। कल देर रात अंबाला शहर के घेल रोड पर गश्त के दौरान एक व्यक्ति चोरी की बाइक बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर युवक से बाइक तो बरामद कर ली, लेकिन आरोपी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने जब बाइक की चेकिंग की तो बाइक की टूल किट में से एक असला और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस बाइक के मालिक को ढूंढने में लगी है। एंटी व्हीकल थेफ्ट के इंचार्ज सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खेल रोड पर एक युवक चोरी की बाइक बेचने की फिराक में है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर युवक से बाइक तो ले ली, लेकिन युवक भागने में कामयाब हो गया। समय समय पर डीजीपी कार्यालय की तरफ से आदेश जारी होते हैं, जैसे अभी असला अभियान चल रहा है हमारा एक महीने का, तो उसी दौरान श्री हमारे एसपी श्री जसवंदीप सिंह रावत ने क्या आदेश थे, जितना भी जिले में अवैध असला उसको पकड़ो, उसे बरामद करो। इसी संदर्भ में हमने कल नाका लगाया था गेल, अपने गेल चौक पे, गेल रोड पे, तो वहाँ पर क्या क्या मैं किसी मुखर ने बताया, एक लड़का आ रहा है, तो वैसे हमारा काम तो मेन एवीटी सेल है, जो व्हीकल है जो चोरी इनके पकड़ना, तो इस संदर्भ में हमने नाका लगाया कि हमारी मुखबरी हुई थी कि ऐसे एक बाइक है चोरी की, वो बेचने आ रहे हैं, इधर लेके आ रहा है। तो इस संदर्भ में मैं मेरे अपने खुशराम और अपने संजीव और वकील और अपने सुखविंदर और अपना धर्मवीर, जो हमारे अन्य मुलाजिम वहाँ खड़े थे, नाका लगा के जैसे उस चोर मतलब आदमी को पता लगा भी आगे पुलिस नाका है, तो बाइक छोड़ के भाग गया, जो चोरी शुदा जो जिसका नंबर हमारे पास था, तो इतने में हम गए, इतने वो अंधेरे का फायदा उठा के लुप्त हो गया, पता नहीं लगा उसका, लेकिन बाइक हमें मिली। जैसे हमने बाइक को चेक किया, उसका टूल बॉक्स खोला, तो उसके अंदर हमें एक जिंदा रोंद और एक देसी कट्टा बरामद हुआ। कल ही रात को पता लगाया, इसका भी पता कर लेंगे, आज दिन में पता करेंगे किसके कौन है मालिक इसका। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। अंबाला में लगातार अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं और उनसे हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं। कल देर रात अंबाला शहर के घेल रोड पर गश्त के दौरान एक व्यक्ति चोरी की बाइक बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर युवक से बाइक तो बरामद कर ली, लेकिन आरोपी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने जब बाइक की चेकिंग की तो बाइक की टूल किट में से एक असला और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस बाइक के मालिक को ढूंढने में लगी है। एंटी व्हीकल थेफ्ट के इंचार्ज सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खेल रोड पर एक युवक चोरी की बाइक बेचने की फिराक में है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर युवक से बाइक तो ले ली, लेकिन युवक भागने में कामयाब हो गया। समय समय पर डीजीपी कार्यालय की तरफ से आदेश जारी होते हैं, जैसे अभी असला अभियान चल रहा था हमारा एक महीने का, तो उसी दौरान श्री हमारे एसपी श्री जसवंदीप सिंह रावत ने क्या आदेश थे, जितना भी जिले में अवैध असला उसको पकड़ो, उसे बरामद करो। इसी संदर्भ में हमने कल नाका लगाया था गेल, अपने गेल चौक पे, गेल रोड पे, तो वहाँ पर क्या क्या मैं किसी मुखर ने बताया, एक लड़का आ रहा है, तो वैसे हमारा काम तो मेन एवीटी सेल है, जो व्हीकल है जो चोरी इनके पकड़ना, तो इस संदर्भ में हमने नाका लगाया कि हमारी मुखबरी हुई थी कि ऐसे एक बाइक है चोरी की, वो बेचने आ रहे हैं, इधर लेके आ रहा है। तो इस संदर्भ में मैं मेरे अपने खुशराम और अपने संजीव और वकील और अपने सुखविंदर और अपना धर्मवीर, जो हमारे अन्य मुलाजिम वहाँ खड़े थे, नाका लगा के जैसे उस चोर मतलब आदमी को पता लगा भी आगे पुलिस नाका है, तो बाइक छोड़ के भाग गया, जो चोरी शुदा जो जिसका नंबर हमारे पास था, तो इतने में हम गए, इतने वो अंधेरे का फायदा उठा के लुप्त हो गया, पता नहीं लगा उसका, लेकिन बाइक हमें मिली। जैसे हमने बाइक को चेक किया, उसका टूल बॉक्स खोला, तो उसके अंदर हमें एक जिंदा रोंद और एक देसी कट्टा बरामद हुआ। कल ही रात को पता लगाया, इसका भी पता कर लेंगे, आज दिन में पता करेंगे किसके कौन है मालिक इसका। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज।